हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने प्लेटफॉर्म ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो कंटिन्यू जिस कड़ी के अंदर अपने बात कर रहे थे, उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः बात करते हैं। तो लेके आए हैं फिर एक नई क्लास के साथ में। तो सबसे पहले जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक अच्छे अच्छे कमेंट भी करना और वीडियो को शेयर भी करना जितना हो सकता है। और अच्छे से अगर जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे से कमेंट भी कर देना। तो ठीक है, चलते हैं अपने पुणे, जो पंजाब हाई कोर्ट का जो भी है, जो स्टैटिक जीके का फोर्स ने यहाँ से कवर करे, आपको बता देता हूँ। यह स्टैटिक जीके का नहीं, जो अपनी जो क्लासेस चल रही है सीरीज के अंदर, जितने भी, कौन से नंबर की क्लास है, जैसी भी सीरीज के अंदर क्लासेस चल रही है, उसके अंदर पूरा का पूरा मैं कोशिश करूंगा, जब पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक जब तक चलेगा, लास्ट में पंजाब हाईकोर्ट के पूरे सिलेबस के एमसीक्यू निकालना शुरू कर देंगे अपने। पहले मैंने आपको कहाँ से, अगर मैं बात करता हूँ तो ज्योग्राफी के लेके आया था, फिर मैं पॉलिटी के लेके आया था, पॉलिटी ज्योग्राफी के मिक्स भी लेके आया। अब मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से, यानी कि अब मैं सिर्फ एक पॉइंट को उठाता हूँ और उस पॉइंट से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट बात है वो सारी बताने की कोशिश करता हूँ। पहले एमसीक्यू थे, अब की बात जैसे राम सेतु किस है, किस जल डमरू के मध्य है, तो मैं राम सेतु की पूरी बात बता दूंगा अभी, क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या कुछ है। ठीक है, ये पढ़ने का थोड़ा अलग तरीका होगा, बेसिक बहुत कुछ नया जानने को आपको मिलेगा। जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना और अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट भी कर देना। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है, सुनना पहले, सारे प्रश्न आप ही बता दोगे, मैं एक बार मेरे को सुन लेना। राम सेतु किस जल डमरू मध्य के मध्य स्थित है, ये भारत का दक्षिणी इलाका, ये श्रीलंका। भारत का दक्षिणी, यहां पे एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का नाम पड़ता है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। श्रीलंका का यहां पे एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का नाम है तलाई मनार द्वीप। पम्बन द्वीप और तलाई मनार द्वीप, श्रीलंका के तलाई मनार द्वीप से लेकर और भारत के पम्बन द्वीप के मध्य जो पुल बना हुआ है, इसे राम सेतु पुल कहा जाता है। कौन सा पुल, उसे राम सेतु पुल कहा जाता है, जो कि श्रीलंका व भारत के पम्बन द्वीप और तलाई मनार द्वीप के मध्य है। ठीक है, जो यहां पे अपने को पता है बंगाल की खाड़ी लगती है भारत के इस साइड में, ध्यान से समझना, ये पढ़ने का थोड़ा अलग सा तरीका है। इस साइड में अरब सागर, क्योंकि यहाँ पे पूरे, जैसे मैं क्लास में करवाता हूँ सेम वही टॉपिक, जिस उसी प्रकार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्क इतना ही मैं लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ रिकॉर्डेड कोर्सेस पूरा तैयार है पंजाब हाईकोर्ट के लिए, कहाँ से मिलेगा, 2 मिनट रुकते रुकना और बता दूंगा अभी। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर, जो राम सेतु पुल के इस साइड में जो यहाँ पे जो स्थान पड़ता है, इस सागर में जो सागर लगता है, इसे तो पाक जल संधि कहा जाता है, पाक जल संधि। यहाँ पे जो पानी का स्थान लगता है, इसे मनार की खाड़ी कहा जाता है, मनार की खाड़ी। मनार की खाड़ी कहा जाता है। पूछा क्या, राम सेतु किस जल डमरू में मध्य स्थित है, बेरिंग जल संधि, कोई यहां पे सिस्टम नहीं दिखा तो गलत, पलक जल संधि छोड़ो, कुक जल संधि नहीं दिखा तो छोड़ो, टेब्रो जल संधि नहीं है तो छोड़ो, लेकिन जो पलक है इसे पलक भी कहते हैं, इसे पलक जल संधि या फिर इसे पाक जल संधि भी कहते हैं। जल डमरू मध्य यानी कि जल संधि, यानी कि दो जलीय भाग को जोड़ने वाले जो सागर होते हैं उसे जल डमरू, यहां भी सागर यहां भी, इन दोनों को ऐसे डमरू सा बन रहा है, ऐसे डमरू सा बन रहा है दोनों का, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है, जल डमरू मध्य। तो कह सकते हैं राम सेतु किस जल डमरू में मध्य स्थित है, तो पलक जल डमरू यानी कि पाक जल संधि के मध्य में स्थित है। सिंपल सी बात, यहां से आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, जिसने चैनल को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले सुनना, ये भारत का दक्षिणी इलाका, यहां पे ये अरब सागर की साइड है, अरब सागर की साइड है, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी की साइड है, एक साइड है अरब सागर, दूसरी साइड है बंगाल की खाड़ी। इस पश्चिमी घाट में यानी कि पश्चिमी तट के ऊपर यहां पे एक लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। पश्चिमी यहां पे तट की ओर यहां पे एक लंबी पर्वत श्रृंखला कहा पाई जाती है, उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। यहां पे कुछ टूटी हुई पहाड़ियां हैं, इन्हें पूर्वी घाट कहा जाता है। और पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट जहां आपस में एक दूसरे को मिलती है उसे नीलगिरी पर्वतमाला कहा जाता है, नीलगिरी पर्वतमाला कहा जाता है, जहां आपस में मिलते उसे नीलगिरी। यहां पे जो राज्य पड़ता है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहां पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उसके बाद सॉरी उड़ीसा, यहां पे पश्चिम बंगाल। क्या पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, यानी कि इस साइड का हिस्सा नहीं है? गुजरात है, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, सॉरी ऐसे आना था भी पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, यहां पे ऐसे आना था पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, पूर्वी घाट का। तो तमिलनाडु इसी साइड में पड़ता है, यहां पे इसका हिस्सा है, आंध्र प्रदेश इसी साइड में, इसका हिस्सा है, हाँ अरे वो सही है, गलती से, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो तमिलनाडु भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, मैंने नीचे वाला देखा नहीं था, तमिलनाडु भी नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों के दोनों पश्चिमी घाट के हिस्से नहीं है, दोनों के दोनों कौन से घाट में पड़ते हैं, पूर्वी घाट में पड़ते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी के ऊपर स्थित है, यह प्रश्न पूछ रहा। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? नर्मदा, चंबल, सोन व ताप्ती। सुनना, चंबल कल भी बताया था, चंबल का उद्गम तो जानापाव की पहाड़ी से होता है, एमपी से उद्गम हुआ, एमपी के बाद में कहां पे, राजस्थान में, राजस्थान के बाद यूपी में। अच्छा, टोटल लंबाई 966 किलोमीटर, उसके पश्चात चार बांध है इसके ऊपर, गांधी सागर बांध जो चंबल पर सबसे बड़ा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, जोहार सागर बांध और कोटा बिरास। ये तीन राजस्थान में पड़ते हैं और ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध किस पे है, चंबल नदी पे, एक मध्य प्रदेश में बना हुआ बांध और चंबल पर सबसे बड़ा बांध है ये, चंबल पर सबसे बड़ा बांध कौन सा, गांधी सागर बांध। और जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित है? जूट ऐसे पर्सन कहा जाता है,
झूठ या फिर पर्सन जिसे कहा जाता है, 12 में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, आंध्र प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? भारत में सर्वाधिक जूट मिले पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक जूट उत्पादन या फिर पटसन उत्पादन राज्य भी कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक अगर जूट उत्पादन राज्य की बात करता हूँ, अगर मैं पटसन सर्वाधिक उत्पादन राज्य की बात करता हूँ, तो वो राज्य भी कौन सा पड़ता है? राज्य भी पश्चिम बंगाल पड़ता है। ठीक है, राजधानी सभी की पश्चिम बंगाल की, तो कोलकाता राजधानी है। सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है, असम की दिसपुर, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की ध्यान रखना, क्योंकि यह 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो जाता है इससे। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य, लेकिन वर्तमान में 28 ही है। जब अलग हो जाता है, तो जब इनकी कॉमन राजधानी थी आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, लेकिन जब अलग हो गया तो हैदराबाद राजधानी जो चली जाती है वो तेलंगाना में चली जाती है। हैदराबाद कहाँ पे चली जाती? तेलंगाना में। लेकिन शर्त थी 10 साल तक तो राजधानी यही रहेगी, 10 साल तक तो राजधानी यही रहेगी दोनों की। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, आंध्र प्रदेश का नाम तो सीमांध्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का नाम तो सीमांध्र हो जाएगा, और तेलंगाना का तेलंगाना ही होगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी, तेलंगाना की राजधानी क्या होगी? हैदराबाद होगी। और सीमांध्र की राजधानी अमरावती। ये इसकी कार्यपालिका राजधानी विशाखापट्टनम, ये इसकी व्यवस्थापिका का राजधानी, व्यवस्थापिका राजधानी, व्यवस्थापिका राजधानी कुर्नूल। ये इसकी न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी। तो 3 राजधानी होगी, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। कुर्नूल यहाँ की 3 राजधानी है, अमरावती भी इसकी राजधानी है, अमरावती, कुर्नूल भी इसकी राजधानी, कुर्नूल, और विशाखापट्टनम भी राजधानी है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी तो पता ही आपको, लखनऊ। आगे चले, हंसी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है वर्तमान में। वर्तमान में जो पंजाब हाई कोर्ट का पूरा सिलेबस है, जो रिकॉर्डेड कोर्स है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है उसका। बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सरकारी नौकरी होनी चाहिए आज के समय। जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है, तो सरकारी नौकरी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल नहीं है। जीके बिल्कुल थोड़ा सा ही है इसके अंदर, स्टैटिक जीके, करंट और थोड़ा सा भूगोल है, थोड़ा सा करंट और थोड़ा सा वो पोलिटी हिस्ट्री मिलता है, बिल्कुल कुछ नहीं है। 5 टॉपिक है इसके अंदर जीके का, वही पूरा ना मैथ साइंस कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जो पूरा का पूरा आप कैसे करना, अगर कोर्स आपको परचेज करना है तो प्ले स्टोर पर जाना, टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। टेस्ट माफिया पे तो पंजाब, टेस्ट माफिया पंजाब व हाई कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड कोर्स पड़ा हुआ है। जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 899 में, पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्स सिर्फ और सिर्फ 899 में दिया जा रहा है। इसके अंदर क्या, जो रिकॉर्ड तो है, साथ में जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है वो लाइव क्लासेस भी फ्री है। रिकॉर्ड तो पूरा है, जो क्लासरूम से लाइव क्लासेज चल रही है वो लाइव क्लासेज भी क्लासरूम से फ्री दिया जा रहा है। इसके साथ में पैनल पीडीएफ, जो डिजिटल वर्ल्ड पे पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ का पीडीएफ ही आपको मिल रहा है। यानी कि इतना सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ 899 में, काफ़ी अच्छा वर्तमान में डिस्काउंट है, क्योंकि कोर्स की बहुत भारी मात्रा में मांग हो जा रही है। तो इसके कोर्स की वैलिडिटी या फिर जो प्राइस है वो बढ़ सकता है, तो जल्दी से काफ़ी डिस्काउंट है इसके, इसको परचेज कर लेना। अगर पूरा पंजाब हाईकोर्ट का, पंजाब हाई कोर्ट के जो स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए, 5 बुक्स है इसका टोटल, 5 बुक्स का पूरा हमारी बुक्स बुक्स तैयार है, पूरी 5 बुक्स तैयार की गई है। क्योंकि इसके अंदर राजस्थान भारत का जीओ है,
हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट और स्टैटिक है, पांच बुक्स है। ये पांच बुक्स की हमारी बुक्स तैयार है और पांच बुक्स हम होम डिलीवरी भी करते हैं सिर्फ 799 में। 899 में कोर्स है, रिकॉर्ड है, लाइव है, पैनल है, पांच बुक्स होम डिलीवरी है सिर्फ 799 में। अगर आपको ये ऑर्डर करना हो तो हमारी टेक्निकल टीम 7597500075 पे आप कॉल करके इनको एड्रेस बता सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो इसके ऊपर बात कर सकते हो आप, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। हर प्रकार के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ से क्या करना है तो वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी डिस्काउंट है वर्तमान में। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सा है? टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सा है? अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या फिर घग्गर? टिहरी बांध का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? पूछ रहा है टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सा, अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या फिर घग्गर पड़ता है। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सा पड़ता है? तो बता देता हूँ, टिहरी बांध, ये नदी अलकनंदा, नीचे से एक नदी आती है भागीरथी। भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से एक नदी बनती है जिस नदी का नाम है गंगा। भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से एक नदी बनती है, नदी का नाम क्या है? गंगा नदी, जिसका नाम पड़ता है। अच्छा, उसके पश्चात मैं बात करता हूं तो गंगा नदी क्या पड़ता है, इसका नाम पड़ता है। इसी भागीरथी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ, उसका नाम है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है, उत्तराखंड में बना हुआ। उत्तराखंड में बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है, कौन सा बांध? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी। कौन सी नदी के ऊपर? भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ। और भागीरथी व अलकनंदा से मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा। तो कह सकते हैं जो भागीरथी नदी है वो कहां पे? उत्तराखंड में इसके ऊपर बना हुआ, उत्तराखंड में इसके ऊपर बना हुआ बांध है। कौन सा बांध है? आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आगे की बात करता हूं तो मैं, जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? जो सरहिंद नहर है वो पंजाब में है। सरहिंद नहर पंजाब में पड़ती है, सरहिंद नहर। और जो सरहिंद नहर पड़ती है वो सतलज नदी के ऊपर स्थित है। सतलज नदी किस नदी के ऊपर स्थित है? सतलज नदी के ऊपर। और मैं बता देता हूँ, जो सतलज नदी किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करूँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ पड़ती है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इसकी सभी की सभी सहायक नदियाँ पड़ती है। तो कॉमन सी बात है, यानी कि जो सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र का ही भाग है, और सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नहर मानी जाती है कौन सी नहर? सरहिंद नहर। सिंधु नदी तंत्र की जो सबसे प्रमुख नहर मानी जाती है वो कौन सी नहर है? सरहिंद नहर। तो सतलज नदी इसका एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य की बात करता हूं तो यह मान के चलना कर्नाटक पड़ता है। कर्नाटक में है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक में कर्नाटक का पठार, और यह है कर्नाटक का पठार पूरे भारत में कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का पठार पूरे भारत में कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने कह सकते हैं कौन सा? कर्नाटक। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा? कर्नाटक। यहां से ऐसे मत समझना सर प्रश्न बहुत कम है। देखो प्रश्न कम नहीं है, अगर मैं 7 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, प्रश्न अभी और कराऊंगा, अगर 7 प्रश्न या फिर 5 प्रश्न लेके आए तो 5 टॉपिक लेके आया हूँ ऐसे समझना, 5 टॉपिक करवा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे अच्छे थार मरुभूमि कहाँ स्थित है?
ये राजस्थान, ऐसे राजस्थान पड़ता है, राजस्थान के मध्य से अरावली पर्वतमाला है, ऐसे मध्य से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, अरावली। इस साइड का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ का जो क्षेत्र पड़ता है जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है, यहाँ का जो क्षेत्र जो पाकिस्तान के साथ में लगता है, जैसे यहाँ पे जिले आते हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये राजस्थान के चार जिले पाकिस्तान के साथ लगते हैं। इसका जो इलाका यहाँ पे गंगानगर हुआ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर हुआ, सिरोही हुआ, नागौर हुआ, चूरू हुआ, हनुमानगढ़, ये सारा का सारा क्षेत्र, यानी कि अरावली का इस साइड का, अरावली के पश्चिम के साइड का सभी का क्षेत्र थार का रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान, यहाँ पे मरुस्थल नहीं, यानी कि अरावली के इस साइड में मरुस्थल है, इस साइड में मरुस्थल नहीं पड़ता। तो इस साइड में राजस्थान के थार की भूमि, थार का मरुस्थल पाया जाता है। थार मरुभूमि कहाँ पे है? तो राजस्थान है, और वर्तमान में राजस्थान में इसी मरुभूमि को मरु प्रदेश के नाम से एक राज्य घोषित करने की पूरी प्लानिंग है भी। राजस्थान इतना बड़ा है तो इसको यहाँ से आधा हिस्सा कर दिया जाए, ये आधा राज्य बन जाएगा और ये आधा राज्य बन जाएगा, इसको तो राजस्थान ही बोलेंगे, इसको मरु प्रदेश के नाम से मरु प्रदेश। और इसकी जो बात करिए भी, बीकानेर को इसकी राजधानी बना देंगे, क्या बीकानेर को इसकी राजधानी बना देंगे, इसे मरु प्रदेश घोषित कर देंगे। यह अभी भी पूरा आंदोलन चल रहा है राजस्थान के अंदर, आगे देखते हैं क्या होता है, जब चेंज हो गया तो अपने भी पढ़ लेंगे। 12 का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा, यानी कि ठंडा मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल होता है। मरुस्थल किसे बोलते हैं? सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा, सर मरुस्थल किसे बोलते हैं? मरुस्थल यानी कि मरा हुआ स्थल, जिसके ऊपर पेड़ पौधे कुछ भी नहीं हो, जिस स्थल पे पेड़ पौधे ना हो, जीव जंतु ना हो, पेड़ पौधे ना हो, जीव जंतु ना हो, कोई झाड़ियाँ ना हो, वनस्पति खत्म हो चुकी हो, वर्षा की प्राप्ति ना हो, यानी कि मरा हुआ स्थल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं, सब कुछ ऐसे मरा हुआ स्थल है, उसे मरुस्थल कहा जाता है। अब मरुस्थल गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। एक तो गर्म मरुस्थल से थार का रेगिस्तान कहा जाता है, थार का मरुस्थल, ये तो गर्म मरुस्थल है, यहाँ पे वनस्पति नहीं होती, बिल्कुल नए के बराबर वनस्पति होती है यहाँ पे, बिल्कुल नए के बराबर वनस्पति होती है। जैसे मरु मरुस्थल कभी नहीं, गर्म मरुस्थल, सूर्य का ताप सीधा पड़ता है यहाँ पे, धोरे ही धोरे, सूर्य का ताप सीधा पड़ता है धोरे धोरे, तो दिन में धोरे जितने ज़्यादा ठंडे होते हैं उतने ही ज़्यादा दिन में तपते हैं, जितने ज़्यादा दिन में गर्म होंगे उतने ज़्यादा रात को ठंडे होते हैं। अगर मैं ठंडे की बात करता हूँ तो जो लद्दाख का मरुस्थल पड़ता है, लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख में, लद्दाख का जो क्षेत्र पड़ता है वहां भी वर्षा नहीं होती, बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, वहां पे वर्षा नहीं होती, वनस्पति नहीं है वहां पे। और मरुस्थल का मतलब यह नहीं होता भी दोहरे ही होते हैं, मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। तो थार का रेगिस्तान जो मरुस्थल है वो तो कौन सा मरुस्थल कहलाता है? वो तो गर्म मरुस्थल कहलाता है। और इस साइड का जो मरुस्थल है वो कौन सा? वो ठंडा मरुस्थल कहलाता है। तो मरुस्थल दो प्रकार के, तो कह सकते सबसे जो ठंडा मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? लद्दाख का मरुस्थल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है इसकी बात कर रहा, कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर वैसे देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है, यानी कि भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी में। लेकिन क्या क्या? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि यह बात सही है, यानी कि पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत पूर्णतः कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय पड़ती है, भारत की आकृति चार कोण वाली चतुष्कोणीय, यानी कैसे?
भारत क्या करती है, चार कोणों वाली पढ़ती है, यानी कि ऐसे पढ़ती है, चार कोणों वाली ऐसे 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 और ऐसे, चार कोणों वाली भारत क्या करती पढ़ती है, भारत क्या करती कैसे चतुष्कोणीय है, तो बिल्कुल सही है, चार कोणों वाली चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में सातवें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, क्षेत्रफल में तो सातवें पे बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा रूस का भारत का सातवां, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पे है, और पहले पे तो कौन पड़ता है, चीन पड़ता है, पहले स्थान पे कौन सा, चीन पड़ता है, और उपयुक्त सभी कथन सही है, उपयुक्त सभी कथन के अपने क्या पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं। ये थे अपने आज के प्रश्न, प्रश्न बहुत कम नहीं थे, इसके प्रश्न के अंदर जानकारी कितनी थी वो देखना, प्रश्न के अंदर जानकारी कितनी थी वो देखना, प्रश्न कम नहीं थे। अगर वीडियो अच्छी लगी, जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और एक अच्छे अच्छे प्यारे से कमेंट भी करना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।